ठीक है बच्चों, फिर अब तक आप क्या पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों का जोड़, घटाव और गुणा, ये हम सभी देख चुके हैं। पूर्णांकों इंटीजर्स का आप सबने क्या क्या देख लिया, जोड़, घटाव और गुणा। अभी क्या बचा है, सिर्फ भाग आपका बचा है। तो सभी बच्चे पहले एक क्वेश्चन इसका आंसर बताएं, किसी को कोई डाउट पहले किसी क्वेश्चन में, जोड़ घटाव या गुणा में कुछ नहीं समझ में आया हो, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे ऐसी बताओ, यदि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। तीन सौ साठ सेकंड में कितने मिनट होते हैं? कैसे आपको लेके चलो, 60 सेकंड कितने के मिनट के बराबर होता है, एक मिनट के बराबर। हमें क्या पता है, 60 सेकंड बराबर एक मिनट, तो बताओ 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? आने लगे बच्चों वोट आपके। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। आप कहीं जहां आपके घर में सही नेटवर्क आता हो वहां पर जाए फोन को लेकर, या जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, यदि आवाज नहीं आ रही है तो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? आ रहे हैं आधे बच्चे, आपके वोट आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट करें। बच्चों टाइम से क्लास में ज्वाइन किया करें, 7 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने ए दिया है, सिर्फ एक एक वोट बी और सी के लिए गए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर आपका ए ही है। कैसे, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 60 सेकंड बराबर एक मिनट, तो हम इसे गुणा करके भी निकाल सकते हैं और भाग करके भी। तो यदि एक मिनट में 60 सेकंड है तो आपके 6 मिनट में कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 60, 360 सेकंड। तो यहां से आपका निकल आया कि 360 सेकंड बराबर 6 मिनट। एक तो गुणा करके निकाल लिया, दूसरा भाग करके भी निकाल सकते हैं। भाग कैसे करेंगे, यदि 360 सेकंड आपके हैं तो 360 बटा 60 कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट निकल आएगा। 60 सेकंड बराबर एक मिनट, तो 360 सेकंड बराबर 360 बटा 60, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 36 बटा 6, 6, तो ये आपका आ गया 6 मिनट।
तो ये 6 मिनट के बराबर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम भाग और गुणा दोनों से देख सकते हैं। तो बच्चों हमारा भाग अभी रह गया था पूर्णांकों का भाग, तो जल्दी से पूर्णांकों का भाग देख लेते हैं। तो धनात्मक भागों वही 3 केस होंगे, पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन देखेंगे, फिर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन देखेंगे, और थर्ड एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन देखेंगे। तो सबसे पहले 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो उन्हें एक भाग देंगे, तो सभी को पता है क्या आता है, 10 को 5 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा, 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। इससे चैट ऑप्शन में भी आंसर दे सकते हो या फिर बोल के भी कह सकते हो। आने लगे बच्चों आपके आंसर, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। बढ़िया, तो यहाँ पे देखो ये 10 कैसी संख्या है आपकी, धनात्मक, 5 कैसी है, ये भी धनात्मक। तो जब हमने धनात्मक को धनात्मक से भाग दिया तो आंसर भी आपका +2 आ रहा है, धनात्मक ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि 10 को 5 से भाग देने पर 2 आया, तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त हो रही है। मीन्स प्लस को प्लस से भाग दे रहे हैं, प्लस को प्लस से भाग दे रहे हैं तो प्लस ही आ रहा है। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने हैं, यहाँ पर आपका निगेटिव है -10 को डिवाइड करना है -5 से, -10 को भाग देना है -5 से, तो बच्चों बताओ कितना आएगा। -10 को जब हम -5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। हाँ, आने लगे बच्चों आपके आंसर। बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया, +2। +2 आ रहा है कैसे, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, +2। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को भाग दे रहे हैं, माइनस को माइनस से भाग दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, धनात्मक संख्या ही प्राप्त हो रही है, प्लस ही प्राप्त हो रहा है। तो इसे कैसे याद करेंगे, ऐसा समझ के चलिए कि माइनस साइन माइनस को काट देगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ आपका -10 को जब हमने -5 से भाग दिया तो आपका माइनस ने माइनस को काट दिया, और 5 का पहाड़ा पड़ा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, +2। क्लियर है सभी को? तो सबको बताएं क्लियर हुआ कि माइनस को माइनस से भाग देंगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा, प्लस में। किसी बच्चे को ये नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से कि माइनस को माइनस से भाग देंगे तब भी आंसर आपका प्लस में आएगा, चाहे ऐसे नोट कर लो या ऐसे नोट कर लो हिंट के लिए कि माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो रहा है तो आपका आंसर क्या आ गया, प्लस में। ठीक है, नोट कर लें अपनी कॉपी में जल्दी से ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, आपका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। एक निगेटिव लिया, एक पॉजिटिव, एक माइनस का साइन, एक प्लस का। -10 को 5 से भाग दोगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया, -2। जब ये माइनस है नीचे वाला प्लस, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जब दोनों के चिन्ह अलग होते हैं तो वो एक दूसरे को काट तो सकते नहीं, तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा, माइनस। संख्याओं को भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, -2। तो जब आपका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो ऊपर और नीचे अंश और हर के, तब आपका अंतिम चिन्ह माइनस ही आएगा। क्लियर है सबको? जल्दी से बच्चों ये नोट करो, जब माइनस को प्लस से भाग दोगे तब भी माइनस आएगा, या प्लस को माइनस से भाग दोगे तब भी आपका माइनस आएगा। दोनों में क्या है, चिन्ह भिन्न है, एक में अंश आपका निगेटिव है, एक में आपका हर निगेटिव है, लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। ऊपर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों के जब चिन्ह भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह आपका माइनस ही आएगा। सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या देखा कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का भाग करेंगे तो हमें एक ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी।
हमें निगेटिव ही मिलेगा। माइनस को प्लस से भाग दिया तब भी माइनस, और प्लस को माइनस से भाग दिया तब भी माइनस। यही मैंने आपको अभी लिखवाया था, माइनस को प्लस से भाग दिया तब भी आपका माइनस आ रहा है, प्लस को माइनस से भाग देंगे तब भी माइनस आएगा। सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ माइनस 10 को 5 से भाग दिया था तो माइनस 2 आया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, 15 को यदि माइनस 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 को माइनस 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर, बिल्कुल सही है। एक आपका धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। जब ऐसा होता है तो आपका अंतिम चिन्ह माइनस आता है। आप 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आपका आंसर क्या आ गया? -5। सभी ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, मतलब सबको क्लियर है ये यहाँ पे? तो फिर लास्ट में एक बार दोबारा से देख लो, जब पहला केस देखा था प्लस को प्लस से भाग दे रहे थे तो प्लस ही आ रहा था, फिर हमने देखा माइनस को माइनस से भाग दिया तब भी आपका क्या आया? प्लस। एक तरीके से याद करो, मैंने बताया था माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, आंसर प्लस में आ गया। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे अंश और हर के, एक प्लस एक माइनस, तब अंतिम चिन्ह माइनस आएगा। चाहे माइनस ओवर प्लस हो या प्लस ओवर माइनस हो, दोनों आपके चिन्ह भिन्न भिन्न है तो अंतिम चिन्ह आपका क्या आता है? निगेटिव। क्लियर है सबको? बताएं, सभी को क्लियर है? आगे चलें? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं पोल में, देखते हैं इसके सब बच्चों को कितना समझ में आया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। -81 को भाग देना है -9 से। कोई भी बच्चा इसे चैट ऑप्शन में आंसर नहीं देगा, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। -81 को भाग देना है -9 से। आने लगे बच्चों आपके आंसर, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। कोई बच्चा ऐसा जिसे पोल में आंसर देना नहीं आता हो या उसके फोन में पोल सेक्शन नहीं खुलता हो, तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बच्चों। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने ए दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी आंसर दिया था। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, माइनस माइनस को ऐसे समझो कैंसिल कर रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 9 एकम 9, 9 ने 81, तो आपका आंसर क्या आ गया? +9। और डी तो किसी भी हाल में नहीं होगा, 8 तो आ ही नहीं रहा है, 9 का 9 से ही तो 81 होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, -65 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। -65 को भाग देना है +13 से। ध्यान से दीजिएगा सभी बच्चे आंसर इसका। आने लगे बच्चों आपके वोट।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। जल्दी जल्दी सभी अच्छे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, नौ। नौ, अच्छा मैं बोल रही हूँ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सभी बच्चों ने सी दिया है, सिर्फ एक वोट ए के लिए आया है। तो आंसर देखते हैं, 65, -65 को 13 से भाग देना है। तो माइनस ऊपर क्या है आपका, माइनस, नीचे क्या है, प्लस। तो दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो अंतिम चिन्ह क्या आता है, माइनस का। और 13 से भाग दो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, -5। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। जो एक बच्चे जिसने +5 दिया है उसे क्लियर हुआ कि माइनस क्यों आया। जब भी हमारे चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, माइनस होगा प्लस हो या प्लस होगा माइनस हो, तब आपका अंतिम चिन्ह भाग देने के बाद क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो यही आपके 4 केस थे जो आपको बताए गए थे। पहला, यदि प्लस ओवर प्लस हो तब आंसर प्लस में ही आता है, माइनस ओवर माइनस हो तब भी आंसर प्लस में ही आता है। इसे याद करना हो ऐसे कर लें, या फिर ऐसे कर लें कि ये माइनस माइनस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। तो अंतिम चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, प्लस का ही। और जब दोनों के चिन्ह भिन्न हो, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या नीचे प्लस हो तब भी आप ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, तब भी दोनों के चिन्ह जब भिन्न भिन्न होंगे तो अंतिम चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। क्लियर है? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट अब तक, आगे चलें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसका भी आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। 1080 को भाग देना है -12 से। 1080 को -12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। 1080 आपका प्लस में है, नीचे आपका हर में -12 है, तो कितना आएगा, 1080 डिवाइडेड बाय -12। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बच्चों क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करें। अब तो 7:30 बजने को आ गए, 7:25। 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है। मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा 7 बजे से आपकी क्लास होती है, 7 बजे ज्वाइन किया करें। देखिए आप ही का ही लॉस हो रहा है, कितना कुछ निकल गया है, अब आप कैसे उसे करोगे? ठीक है, फिर क्या पता आगे का उससे लिंक हो तो आपका आगे का भी नहीं समझ में आए। तो क्लास को बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
किसी के फोन में पोल ऐसा तो नहीं कि पोल नहीं खुलता है या पोल पता नहीं हो कैसे आंसर देना है। आपके फोन पे देखिए सबसे नीचे तीन डॉट आ रहे होंगे बने हुए, उन तीन डॉट को क्लिक करें। तीन डॉट को क्लिक करेंगे उसके बाद आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसमें लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें, दबाएं, फिर आपका लिखा रहा होगा पोल वन एक्टिव करके, पोल को क्लिक करें। चार ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, उन चार ऑप्शन में जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही आंसर है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिए कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करो। तनुष के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा 7:30 बजने वाले हैं, क्लास का टाइम 7 बजे है, 7 बजे से ज्वाइन किया करें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने बी दिया है लेकिन दो वोट ए सी के लिए भी गए हैं। तो आपको भाग देना है 1080 को -12 से, तो देखते हैं क्या आएगा। तो 1080 को जब 12 से भाग देंगे तो पहले तो संख्याओं का ही भाग दे के देख लेते हैं। भाग दीजिए 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 की 9 से गुणा करते हैं कितना आता है 108। तो ये आपका कितना आ गया, 12 की 90 से गुणा करेंगे तो 1080। अब एक प्लस का है एक माइनस का, तो अभी हमने देखा जब दोनों के चिन्ह भिन्न हो तो अंतिम चिन्ह क्या आ जाता है माइनस का, तो आंसर क्या आएगा -90। क्लियर है। जब एक प्लस एक माइनस हो, अंश और हर दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो, तो आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा, निगेटिव। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक है, तो जो दो बच्चे जिन्होंने +90 लिखा था उन्हें क्लियर हुआ कि जब भी आपके अंश और हर के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे आंसर कैस में आएगा, निगेटिव में, ऋणात्मक में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलें आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर दें सभी बच्चे। 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था ना सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मिनट और घंटे का रिलेशन दे रखा है, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। 60 मिनट यदि 1 घंटे के बराबर है तो बताओ 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। मैं अभी पोल सेक्शन खोल रही हूँ, 1 सेकंड बच्चों तब तक सॉल्व करें। अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। डेली लाइफ की तरह क्वेश्चन है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। घड़ी में सबको पता है 1 घंटे बराबर 60 मिनट के होता है, तो बताओ 1200 मिनट कितने घंटों के बराबर होगा। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये आपको बताना है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट करें।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें इसका। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल के लिए देखिए, आप अपने फोन में नीचे तीन डॉट दिख रहे होंगे, तीन डॉट को क्लिक करें। तीन डॉट को क्लिक करने पर एक अगली स्क्रीन पे आपका एक्टिविटीज या गतियां लिखी आ रही होंगी, उस पर क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल को क्लिक करें। चार ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस पर क्लिक करें और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर पहुंच गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सब बच्चों ने बी आंसर लगाया है, लेकिन ए और सी के लिए भी वोट गए हैं, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। ये तो आपका ए जिसने दिया, सबसे पहली बात तो आप बताओ, आप डेली लाइफ में आपके दिन घंटे नेगेटिव में आते? खुद ही बच्चों सोचो, डेली लाइफ में आपके घंटे -20 आता क्या? नहीं। तो निगेटिव वाला तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपसे पूछा यह जा रहा था कि यदि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो आपको क्या करना था, भाग देना था। 1200 को 60 से भाग दे दो तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 120/6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 0 का 0 आ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 घंटे। चाहे भाग दे दो या फिर आप गुणा करके भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 60 की 20 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 1200। तो 60 मिनट 1 घंटा, यदि आपका 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है तो 20 घंटा कितने के बराबर हो जाएगा, 20 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 1200 मिनट। तो 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर हो गया, 20 घंटे के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो आगे चलें। सबको भाग समझ में आया, पूर्णांकों के चारों ऑपरेशन क्लियर हैं? ठीक है, तो यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा संख्या रेखा, नंबर लाइन। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, नंबर लाइन संख्या रेखा। डाल लिया। संख्या रेखा जाने क्या होता है, संख्या रेखा क्या है देखते हैं। जब हम किसी रेखा पर, जो संख्या रेखा शब्द में ही से ही देखो, आपका संख्या है और रेखा, तो किसी रेखा पर जब संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे, उस पर संख्याओं को निरूपित करेंगे। तो ये आपकी एक रेखा हुई, इस पर जो यदि हम संख्याओं को निरूपित कर दें तो ये आपकी क्या कहलाती है, संख्या रेखा। क्लियर है, इसी पे यदि हम संख्याएं निरूपित कर देंगे तो ये आपकी संख्या रेखा कहलाएगी। पर संख्याओं को ऐसे ही निरूपित नहीं कर देना है, संख्याओं को हम क्रम से, उनके क्रम के अनुसार रखेंगे। तो सभी बच्चे याद रखें कि संख्याओं को कैसे रखना है, हमें क्रम से रखना है, एक क्रम होगा उनका। तो जानते हैं कि किस क्रम में हमें रखना है, किस ऑर्डर में, किस क्रम में हमें संख्याओं को रखना है, ये देखते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप सभी अपनी कॉपी में स्केल हो तो स्केल, नहीं तो अपनी उससे ही एक सीधी रेखा खींचे, एक सीधी रेखा खींचे अपनी कॉपी पर, स्केल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक सीधी रेखा ऐसे ही पेंसिल से या पेन से खींचे और उस पर एक कहीं पर भी एक बिंदु जीरो बनाए। सबसे पहले कहीं पर भी एक बिंदु जीरो अंकित करें। कर लिया बच्चों? बढ़िया, सभी बच्चे करें, एक रेखा बनाएं और उस पर कहीं पर भी एक बिंदु जीरो अंकित करें। कर लिया? आप सबसे पहले ध्यान से समझें जीरो का दाईं ओर। सभी बच्चों को पता है दायां और बायां क्या होता है? दायां कहते हैं राइट को और बायां कहते हैं लेफ्ट को। तो जीरो के दाईं ओर मतलब राइट साइड, ऐसे याद रखो कि आप किस हाथ से लिखते होगे, राइट हैंड से। तो राइट हैंड आपका किस ओर है? इस ओर। तो दायां साइड आप दाएं से लिखते हो, राइट से लिखते हो, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आप दाएं से लिखते हो तो दूसरा हाथ आपका क्या हो जाएगा? बायां। दूसरा बायां लेफ्ट हो जाएगा। आप दाएं से लिखते हो तो ऐसे याद रख के ना, तो हमेशा कभी गलती नहीं होगी। तो जीरो के दाईं ओर थोड़ी दूर पर हम क्या बनाएंगे? एक अलग बिंदु, एक एक दूसरा बिंदु बनाओ और उसपे एक लिख दो। लिख दिया? तो ये सबको क्लियर है? जीरो के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित किया और उसे एक नाम दे दिया। क्लियर? आप जीरो से एक के बीच की दूरी कितनी होगी? जीरो से एक के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक मात्रक। यहाँ हम एक मात्रक कह रहे हैं, एक यूनिट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारा जो मात्रक है वो क्या है। देखो, स्केल में आपकी दूरी सेंटीमीटर में होती है, दूसरा स्केल हो या कुछ और हो तो मीटर में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है, स्केल के दूसरे साइड ही देख लो। तो मात्रक यहाँ डिफाइन नहीं है, तो हम उसे यूनिट कह देते हैं, मात्रक कह दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर मीटर वगैरह दिया होता है, तो आप उसे एक सेंटीमीटर दूरी कह दोगे, एक मीटर दूरी कह दोगे, या हमने स्टैंडर्ड लिया है तो इसलिए इसे एक मात्रक या एक यूनिट कह रहे हैं। क्लियर? तो जीरो से एक के बीच की दूरी कितनी होगी? एक मात्रक। सबको समझ में आ रहा है? अब फिर से हम क्या करेंगे, एक के दाईं ओर, फिर से इसी एक के दाईं ओर एक मात्रक की दूरी पर एक दूसरा बिंदु बी अंकित करेंगे। ये आपकी दूरी कितनी थी? एक मात्रक, एक यूनिट। आप एक के फिर से दाईं ओर जाओ, फिर से एक मात्रक दूरी पर एक दूसरा अंकित करो, दो। एक अन्य बिंदु लो, उस पर दो लिखो। क्लियर हो रहा है? ये दूसरा दो बिंदु लिया, इस साइड गए दाईं ओर, एक के दाईं ओर गए राइट साइड, एक दूसरा बिंदु दो टाइप दो अंकित किया। क्लियर है? इसी तरह आगे हम आगे की संख्याएं लिखते चले आएंगे, 3, 4, 5, और ये संख्याएं चलती चली जाएंगी। तो ये इसी तरह सबके बीच की दूरी कितनी होगी? सभी बिंदुओं के बीच की दूरी एक-एक होगी। सभी की दूरी सेम है बीच में, आपस में 3 और 4 के बीच की दूरी एक, 4 और 5 के बीच की दूरी एक, सभी के बीच की दूरी एक-एक मात्रक लेते हुए ये रेखा आपकी चलती चली जाएगी। देखिए यहाँ देखो, इस रेखा के लास्ट में एरो बन रहा है। एरो क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये तीर दिखा रहा है कि ये रेखा चलती ही चली जा रही है, खत्म नहीं होगी। हमारा पेज कम पड़ रहा है इसलिए ये रेखा को हमने एरो से बांध दिया है, लेकिन यहाँ संख्याएं आपकी चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी संख्याएं अंकित कर दी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम किसी भी पूर्ण संख्या को इस संख्या रेखा पर हमने दिखा दिया, पूर्ण संख्याओं को दिखा दिया अभी। तो ये पूर्ण संख्याएं आपकी चलती चली जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अनंत तक चलती चली जाएंगी, इसीलिए हमने ये एरो दिखाया है। क्लियर है सब बच्चों? बताओ यहाँ यस तक मैम। कोई डाउट? तो जो ये हमने धनात्मक संख्याएं ली है, ये हमने क्या ली? जीरो के दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर हमने धनात्मक संख्याएं ली है। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से बड़ी होती हैं, शून्य से बड़ी होती हैं, शून्य से अधिक होती हैं, तो ये हमने शून्य के दाईं ओर ली है। क्लियर हुआ? तो अब देखो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याओं के लिए ये एक संख्या रेखा हो गई। तो अब मुझे आप में से कोई बता सकता है? बच्चों बताओ, 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी? हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि तीन।
हाँ बढ़िया गुड। हमने अभी तक देखा कि हर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कितनी कितनी ले रहे थे, एक एक। ठीक है हाँ सभी बच्चे साहब आंसर दें इसका। तो अब हमें पता करना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी हो, तो एक से चार के बीच की दूरी यदि हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी एक, इसकी दूरी एक, इसकी दूरी एक, तीनों को ऐड कर दें, एक प्लस एक प्लस एक कितना हो गया, तीन। दूसरा तरीका क्या है, चूंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं सारी धनात्मक है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो तब भी आपकी आ जाएगी, चार माइनस एक कितना आ गया, तीन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि ये दूरी कितनी हो गई, तीनों को ऐड कर दिया, एक प्लस एक प्लस एक कितना हो गया, तीन। अब इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आप उसका आंसर पोल सेक्शन में दोगे। बच्चों संख्या रेखा पर आपको बताना है दो और सात के बीच की दूरी कितनी होगी। सभी बच्चे ध्यान से देंगे, कोई भी जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देगा, और पोल में आंसर देना है सभी बच्चों को। तो संख्या रेखा पर ध्यान से देखिए दो और सात बिंदुओं को, उनके बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके? सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बी आंसर दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। संख्या रेखा पर दो और सात के बीच की दूरी निकालनी है, तो आपको क्या पता है, दो और तीन के बीच की दूरी एक, तीन और चार के बीच की दूरी एक, ये भी दूरी एक, हर के बीच की दूरी कितनी है, एक एक एक। तो अब इन्हें जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक प्लस एक दो, तीन चार पांच, तो कितना आ गया, पांच। क्लियर है? पांच आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था, 7 माइनस 2 कर दो, 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, पांच। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। बच्चे सही से देखना था, चार नहीं है, इनके बीच में पांच हैं, एक दो तीन चार और पांच। क्लियर है? सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। हाँ यस तो मैम। इसका आंसर आपका सी है, ऑप्शन सी, पांच। आगे चलते हैं। आगे एक ये बात सभी बच्चे अपनी कॉपी में ध्यान से लिख भी लें, क्या कहा जा रहा है, सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा, बताओ। आप एक संख्या रेखा बना रहे हो, उस संख्या रेखा पर सात आपको बताना है चार के किस ओर आएगा। तो चार, ये आपने चार अंकित कर लिया, अब चार का दायां किधर होता है, ये चार है तो चार का दायां हाथ देखो, दायां आपका राइट हैंड होता है, दायां राइट हैंड है, राइट साइड, और बायां लेफ्ट साइड, बाएं साइड लेफ्ट है। तो बताओ सात इसके दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। सात इसके दाईं ओर आ रहा है, सबको ये समझ में आ रहा है। तो सबको ये क्लियर हुआ कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कि सात संख्या रेखा पर चार के किस ओर आएगा, चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। तो पहले आपको चार बनाना है, फिर चार के किस साइड आएगा ये आपको देखना है। तो चार के किस ओर आया, दाईं ओर आया। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, चार के जो भी दाईं ओर संख्याएं आ रही हैं वो चार से कैसी हैं, बड़ी हैं। चार के बाद पांच आ रही है, छह आ रही है, सात आ रही है, तो चार से बड़ी संख्याएं हमें किधर मिल रही है, राइट साइड में। तो बड़ी संख्याएं जो हैं वो हमें राइट साइड दाईं ओर मिलती हैं, और छोटी संख्याएं हमें बाईं ओर मिलती हैं, लेफ्ट साइड। चार से छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी, देखो, तीन, दो, एक,
जीरो, तो ये चार से जो छोटी संख्याएं होंगी वो हमें चार के बाई ओर मिलती है, लेफ्ट साइड में, और जो चार से बड़ी संख्याएं होंगी वो हमें उसके दाई ओर मिलेंगी। तो एक बार जल्दी से ये नोट कर लो बच्चों, समझ में आया हो तो, कि यदि कभी हमें बड़ी संख्या देखनी होगी तो हम उसके दाई ओर जाएंगे, और छोटी संख्या देखनी होगी तो हम उसके बाई ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड। सबको क्लियर हुआ ये? किसी को इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ये, कि दाई ओर बड़ी संख्या मिलेगी और बाई ओर छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो एक बार इसी तरह ये है आपका, ये कि हमें क्या मिल रहा है, दाई ओर हमें राइट साइड बड़ी संख्या मिल रही है दाई ओर, और बाई ओर हमें कैसी संख्या मिल रही है, छोटी संख्या। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं और पूछूं, तो यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ पांच दो के किस ओर है, पांच दो के किस ओर है, संख्या पांच संख्या दो के किस ओर है, जल्दी से बताओ। राइट साइड, किधर है, राइट साइड। क्लियर हुआ? तो अब एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं, सबको ये क्लियर है? तो नेक्स्ट बताओ, संख्या रेखा पर दो सात के किस ओर स्थित है। इसका आंसर जल्दबाजी में कोई नहीं देगा, सभी बच्चे ध्यान से पढ़े, पहले पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। संख्या रेखा पर दो की स्थिति पूछ रहा है कि सात के किस ओर है। तो पहले आप एक संख्या रेखा बनाएं, उस पे सात अंकित करें, आप पूछ रहा है दो किस ओर है, दो किस ओर है, दो सात के किस ओर स्थित है। ऑप्शंस है ए राइट साइड, बी लेफ्ट साइड। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। जो ध्यान से, संख्या रेखा पर दो सात के किस ओर स्थित है। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं, मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन तब भी पांच बच्चों ने ए आंसर भी दिया है, तो आपका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा था, संख्या रेखा पर दो सात के किस ओर स्थित है, दो का बताना है। तो दो कैसी संख्या है, सात से छोटी है। दो छोटी संख्या कहाँ होती है, छोटी संख्या हमेशा उसके बाई ओर होती है, लेफ्ट साइड। हाँ बाई ओर होती है, लेफ्ट साइड। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन में बताएं दो सात के किस ओर स्थित है। तो दो जो संख्या थी वो सात से छोटी थी, उसके बाई ओर थी, लेफ्ट साइड थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो जिन बच्चों ने ए लगाया उन्हें क्लियर हुआ। तो इसमें आपको इस बात में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि किस बिंदु को किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। यहाँ दो पूछा जा रहा था, तो मैंने इतना भी आपको हिंट दे दिया था कि सात आपको बना दिया। अब बताइए कि दो किस साइड होगा, ठीक है? वरना ये भी आप खुद से समझा करें कि संख्या रेखा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो सात के किस ओर स्थित है। तो आपको पहले पता करना होगा, सात बनाएं, उसके बाद देखें कि दो किस ओर होगा उसके। क्लियर है? आगे चलें। तो ये हमने क्या देखा, आज हमने केवल पूर्ण संख्याओं को देखा। तो क्या हम केवल संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं बच्चों, बताओ हाँ या ना? नो मैम। नो। किसे किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसे दिखा सकते हैं?
पूर्णांकों से। पूर्णांकों से, बिल्कुल सही। तो हम संख्या रेखा पर पूर्णांक दिखा सकते हैं। पूर्णांक में आपकी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सभी होती हैं। तो हम जो है निगेटिव संख्याओं को भी नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हम संख्या रेखा को संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी दिखा सकते हैं। ऋणात्मक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? शून्य से छोटी होती हैं। ये क्या होती हैं? शून्य से कम होती हैं। तो ये -4, -3, -2, -1, ये सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी? शून्य से छोटी। ये सारी संख्याएं हमारी शून्य से छोटी होती हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो भी छोटी संख्याएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? बाई ओर जाती हैं, याद है अभी? तो छोटी संख्याएं हमारी किधर जाएंगी? बाई ओर। तो ये आपकी जो भी लेफ्ट साइड, तो जो भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो शून्य की किधर जाएंगी? लेफ्ट साइड में। 0 से इधर -1 आएगा, फिर -2 आएगा। इनके बीच की भी दूरी कितनी होगी? एक एक मात्रक दूरी होगी। क्लियर हो रहा है बच्चों का? बताएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य की किधर जाएंगी? बाई ओर। शून्य के बाई ओर जाएंगी, लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होती है? ऋणात्मक जो भी संख्याएं होती हैं वो शून्य से छोटी होती हैं। तो जो भी छोटी संख्या होती है वो बाई ओर जाती है, लेफ्ट साइड। तो ये सारी संख्याएं हमारी लेफ्ट साइड आ गई, -1, -2, -3। इनके भी बीच की दूरी कितनी होगी? एक एक पूर्णांक दूरी होगी। एक एक मात्रक, एक एक मात्रक दूरी होगी। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पूर्णांक में हमारे 0 आ गए, 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक आ गई और 0 से छोटी संख्याएं ऋणात्मक आ गई। तो इन सभी को हम कहां? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो माइक अनम्यूट करके। मैम ठीक है, तो ये हमारे आज पूर्णांक तक हो गए। इसके बाद के क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट टर्न पे एक बार रिवाइज करते पे कर लेंगे। अब आप सभी अपना होमवर्क देख लो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो ये आपकी अवंती की वर्कबुक है, इससे आपको होमवर्क करना है। तो ये आपकी देखिए एक्सरसाइज है, पहले 11 से करिएगा क्योंकि आज आपने भाग भी सीखा है, पूर्णांकों का भाग। तो ये पेज नंबर 15 पे आपके पूर्णांकों का भाग करना दे रखा है। पहले पेज नंबर 15 पे आप भाग करेंगे एक्सरसाइज पे। 11.1 और 11.2 आपकी होमवर्क में है। ठीक है, फिर संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को निरूपित करना है 12वीं एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और फिर ये कॉन्सेप्ट 13 भी आपको करना है, संख्या रेखा पे छोटा और बड़ी संख्या पहचाननी। तो आपकी एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 भी होमवर्क में है। तो पेज नंबर 15 से पेज नंबर 18 तक आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं होमवर्क क्लियर है? ठीक है, पेज नंबर 15 से यस 18 तक आप सभी होमवर्क में करेंगे। अब इसके बाद आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, मैम, हाँ बताएं, किसी को कोई डाउट